एवरीवन गाइस, आज मैं बनाने लगी हूँ चटपटा वाला कीमा, जिसके लिए मैंने कीमे को वॉश कर लिया है। और ये हमारी प्याज है, ये बेसिक मसाले हैं, हल्दी नमक लाल मिर्च। ऑयल गर्म करके थोड़े से फ्रे मसाले ऐड कर देंगे, देन हम ये प्याज ऐड कर देंगे इसमें। प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई, अदरक लहसुन का पेस्ट, कीमा अच्छे से भून लेंगे। कीमा अच्छा सा भून चुका है हमारा, उसमें के लिए हम टमाटर और दही ऐड कर देंगे इसमें। इसकी सब अच्छे से भुनाई कर लेंगे इसकी। टमाटर दही सब अच्छे से भून लेंगे इसको। भून चुका है, इसमें ऑयल कितना छोड़ दिया है। अब इसमें हम पानी डाल के एक कप इसको वेस्टर लगा देंगे गले। गाइस, ये हमने वेस्टर इसकी ओपन कर दी है। ये हमारा कीमा जो है इस तरीके से रेडी हो चुका है। अब मैं इसको थोड़ा सा भूनूंगी, ये हरी मिर्च ऐड कर देंगे थोड़ी सी, इसमें भून लेंगे। गाइस, ये हमारा कीमा जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से बिल्कुल भून चुका है। ये थोड़ा सा इसमें हमने कटिंग करके आलू रखे थे वो ऐड कर देंगे। आलू के साथ इसको अच्छे से हम मिक्सअप करेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, हाफ कप, ताकि हमारा जो आलू है अच्छे से गल जाए। लिड कवर करके ऐसे ही रख देंगे। गाइस, ये हमारे पोटैटो धोए हैं, गल चुके हैं। अब इसकी हम थोड़ी सी बुनाई कर लेंगे। बिल्कुल रेडी हो चुका है चटपटा कीमा, मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ। देखिए, बिल्कुल चटपटा हमारा कीमा रेडी हो चुका है। मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाया, देखिए यम्मी स्टाइल में आई। हरा धनिया थोड़ा सा ऐड डाल देंगे इसके ऊपर, धनिया इस तरीके से स्प्रिंकल कर देंगे इसके ऊपर। रेडी हो चुका है बिल्कुल ही, बट आपकी माँ रेडी हो चुका है। देखिए, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।